गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेशियो की हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने सारी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। ठीक है, आज से मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझा दूं, फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा था कि कोई भी रेशियो गिवन है तो उसको हम सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड में बोला जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमें किसी वेरिएबल की नीड नहीं पड़ रही थी, लेकिन अगर रेशियो में कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो वो चीज डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, हमें उसके लिए किसी ना किसी वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कहीं रेशियो दिया हुआ आपका 2:3 मान लीजिए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्या बन जाएगा, 4:6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6:9। आरी बात से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, या 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आरी बात में। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2% उनकी सैलरी का रेशियो 2:3 है और दोनों की वैल्यू या दोनों की सैलरी 100 रुपीज इंक्रीज हो गई, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2+100 और रेशियो 3+100। यहां पे ये चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। आरी बस में जब हमें ऐड करना होगा तो हमें इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना होगा आरी बस में। तो बस यही एक छोटी सी बात हमें समझनी है कि रेशियो में मल्टीप्लीकेशन और डिविजन डायरेक्ट हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए हमें हर बार वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन की दो चीजें, एक तो आपका प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और दूसरा मैं आपको हर क्वेश्चन का एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम रेशियो को यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपको कि कभी भी रेशियो में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, एक चीज और यहां पे समझिएगा, यहां पे मिल्क का मतलब घर वाला मिल्क नहीं है कि उसमें कितना भी पानी मिलाते रहे वो मिल्क ही रहेगा, यहां पे मिल्क का मतलब प्योर मिल्क होता है। जैसे ही हम मिल्क में वाटर को ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में, आपको एक बात ध्यान रखना है कि मिल्क का मतलब ये क्या है, प्योर मिल्क है, यानी 100% मिल्क है, इसमें कोई भी वाटर नहीं है। जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो ये मिक्सचर बन जाता है, क्लियर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4 है, क्लियर। अब आगे कह रहा है, इफ वी ऐड थ्री लीटर वाटर। अब देखिए यहां पे एडिशन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वेरिएबल की। तो हमने इसको बना दिया, मिल्क की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई 3x, और वाटर की जो क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गई 4x। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 3 लीटर वाटर, यानी वाटर में 3 लीटर ऐड किया गया, तो ये पार्ट किसका था, मिल्क का, और ये पार्ट किसका था, वाटर का। हम मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं करते, वाटर में 3 लीटर ऐड किया गया, कह रहा है तब इनका रेशियो जो है वो बन जा रहा है आपका 3:5। अब आपको अच्छी तरह से पता है यहां पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो देखिए, इस 3 से ये 3 क्या हो सकता है, कैंसल हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है, यहां से ये 3 देखिए, ये क्या, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो आप चाहें तो इसको कैंसल कर सकते हैं। तो क्या बनेगा ये, 5x = 4x + 3, देन x इक्वल टू क्या होगा 3। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी हमने दोनों के साथ क्या माना था, 3x और 4x, तो मिल्क की जो इनिशियल क्वांटिटी होगी वो 3 × 3 आपका 9 लीटर। ये जो तरीका है वेरिएबल को लगा के यूज करने का, ये आपका सिंपल एंड बेस्ट वे है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। बाकी जो आपका ट्रिक है ना, वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बेसिक आपको पता है, फिर भी मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना। अब यहां पे हम लिखते हैं मिल्क और यहां पे हम लिखते हैं वाटर। पहले जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो क्या है, 3:4। बाद में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो क्या है, 3:5, क्लियर। अब आपको यहां पे यूनिटरी मेथड यूज करने आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ऐड क्या किया जा रहा है, वाटर, तो जब हम वाटर करेंगे तो मिल्क पे कोई फर्क
नहीं पढ़ना चाहिए। यहां पे मिल का पार्ट कितना है 3 और यहां पे भी मिल का पार्ट क्या है 3, यानी कोई चेंजेज नहीं है। अगर चेंजेज होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर में चेंजेज आएगा, मिल्क में चेंजेज नहीं आएगा। मैं पहले भी आपको क्लियर कर रखा हूं, मिल्क का मतलब प्योर मिल्क, क्लियर। तो यहां पे वाटर में कितने का चेंजेज आ रहा है, इस 1 यूनिट का, क्लियर। पहले वाटर का कितना था 4, अब कितना था 5, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 लीटर। क्वेश्चन में वाटर कितना ऐड किया जा रहा है 3 लीटर, यानी इस 1 रेशियो की वैल्यू, पहले रेशियो 4 था, अब क्या हो गया 5, इस 1 रेशियो की वैल्यू 3 लीटर। हमसे पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9 लीटर, क्लियर। तो आपको दोनों चीजें मैंने बता दी, ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलेंगे। तब इसको नोट करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वॉट इज 2:3, यानी मिल्क एंड वाटर 2:3। आगे कह रहा है इफ वी एड 5 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर, हमें ऐड करना है यानी वेरिएबल लगाना पड़ेगा 2x एंड 3x, तो 2x + 5 और 3x + 5। कह रहा है ये पार्ट किसका है, मिल्क का, और ये पार्ट किसका है, वाटर का। कह रहा है जब हम 5 लीटर ऐड कर रहे हैं देन रेशियो बिकम्स 3:4, रेशियो क्या हो गया 3:4। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या करना है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8x + 20 = 9x + 15। 8x को उधर ट्रांसफर करेंगे, 15 को इधर, यानी 5 = x। x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट, तो मिल्क का पार्ट 2, वाटर का पार्ट 3, तो जो मिक्सचर होगा वो अपना कितना होगा 5x, और इसी की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो 5 × 5 यानी 25 लीटर, क्लियर। ये आपका हो गया बेसिक। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज डायरेक्ट। तो यहां पे हम लिखते हैं मिल्क और ये आपका वाटर, क्लियर। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 2:3, ये इनिशियल है। कह रहा अगर 5 लीटर हमने मिल्क ऐड किया और 5 लीटर हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, देन द रेशियो बिकम्स 3:4। अब यहां से आपको छोटी छोटी बातें समझनी होगी, हम जितनी क्वांटिटी मिल्क की ऐड कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी वाटर की ऐड कर रहे हैं, यानी 5 लीटर मिल्क भी ऐड हो रहा है और 5 लीटर आपका वाटर भी ऐड हो रहा है, क्लियर। तो जब दोनों सेम ऐड हो रहे हैं तो दोनों जगह सेम चेंजेज होना चाहिए, और कोइंसिडेंटली आप देखिए यहां भी कितने का चेंजेज है 1 यूनिट का, और यहां भी कितने का चेंजेज है 1 यूनिट का, यानी कहीं ना कहीं हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों जगह सेम चेंजेज मिल गए, 1 यूनिट यहां भी और 1 यूनिट यहां भी। तो हम कह सकते हैं इस 1 रेशियो की वैल्यू क्या है 5 लीटर। हमसे क्या पूछा गया, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो 2 पार्ट मिल्क का है, 3 पार्ट वाटर का है, तो टोटल मिक्सचर कितना बना 5 यूनिट यानी 5 × 5 यानी 25 लीटर। बात समझ में आई, क्वेश्चन में कह रहा है 5 लीटर मिल्क 5 लीटर वाटर, यानी दोनों जब सेम क्वांटिटी ऐड की जा रही है तो दोनों के रेशियो में सेम फर्क पड़ना चाहिए। कोइंसिडेंटली आप देखिए 2 से 3 यानी 1 यूनिट और 3 से 4 1 यूनिट, यानी दोनों साइड एक एक यूनिट का फर्क पड़ रहा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर टोटल मिक्सचर, तो 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर, क्लियर। चलिए इसको लिखें फिर हम लोग आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी मिल्क एंड वाटर इनका जो रेशियो है क्या है 1:3, यानी ये 1x और ये 3x। कह रहा इफ वी एड 9 लीटर मिल्क एंड 9 लीटर वाटर, तो 9 लीटर मिल्क यानी x + 9, 9 लीटर वाटर यानी 3x + 9, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x + 27 = 6x + 18। 3x को इधर ले जाएंगे, 18 को इधर लाएंगे, तो 9 = 3x, देन x = 3, क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट, तो टोटल मिक्सचर कितना है यहां पे 4x, तो 4x की वैल्यू 4 × 3 यानी 12 लीटर, क्लियर। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। ये तो हमारा हो गया बेसिक
स्ट्रक्चर की जो दिया हुआ हमने, बस मैंने आपको बताया कि कभी भी रेशियो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 1:3। बाद में जो रेशियो है वो क्या है, 2:3। अब है क्या क्वेश्चन में कि हम 9 लीटर यहां भी ऐड कर रहे हैं और 9 लीटर यहां भी ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, 9 लीटर हम मिल्क भी ऐड कर रहे हैं, 9 लीटर वाटर भी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों जगह जो वैल्यू आनी चाहिए चेंजेज वो सेम आनी चाहिए। पहली बात तो आप देखिए यहां पे कितने का चेंजेज है, 1 यूनिट का, और यहां पे कितने का चेंजेज है, 0 यूनिट का। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम 1 से इसको कंपेयर करें या 0 से करें, क्योंकि अगर दो चीजें हैं यहां पे प्रॉब्लम। पहला तो यह है कि दोनों अगर 9 लीटर ऐड हो रहा है तो दोनों जगह चेंजेस क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला लॉजिक कि अगर हम दोनों में सेम क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं तो दोनों में सेम चेंजेज होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम इसको इग्नोर करें तो हम 9 लीटर को यहां पे कंपेयर करें या यहां पे कंपेयर करें, दूसरी प्रॉब्लम ये है। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए था, मतलब यहां पे 1 का जो डिफरेंस और यहां पे 0 का डिफरेंस, ये डिफरेंस हर हाल में क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। मीन्स अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि कैसे हम डिफरेंस को सेम करते हैं, मान ले पहले रेशियो था a:b और बाद में हो गया c:d, तो अगर दोनों जगह सेम क्वांटिटी ऐड की जा रही है तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका कि a-c की वैल्यू b-d के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। देखिए यहां पे जो चेंजेज, जैसे यहां पे कितने का चेंजेज है, 1 यूनिट का, यहां पे 0 का, पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह सेम था एक एक यूनिट का। यानी कहने का मतलब अगर सेम क्वांटिटी ऐड किया जाए तो जो गैप यहां पे आएगा वही गैप यहां पे आने चाहिए। यानी ये चीज अगर फुलफिल होगी तभी हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं एक स्टेप अगर लिखूं आपके सामने तो ये देखिए क्या बनेगा, a-b = c-d। यानी हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा, b को हमने इधर ट्रांसफर किया, यानी a-b = c-d। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। यानी आप देखिए अगर इससे सॉल्व होकर ये आ रहा तो इससे सॉल्व होकर ये आएगा। इसका मतलब ये है कि a-b अगर इनका डिफरेंस और c-d इनका डिफरेंस अगर ये दोनों सेम हो जाए, यानी ये पार्ट अगर सेम हो जाए तो ये पार्ट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी अगर इस चीज को हम यहां पे यूज करें कि जब दोनों जगह डिफरेंस सेम ना हो तो हम सामने के डिफरेंस को सेम ले लें। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस बात का मतलब, इस बात दोनों का मतलब क्या है, सेम है, तो हम ये तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें चाहिए। तो अगर हम ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 और 3 का डिफरेंस यहां पर कितना बन रहा है, 2, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना बन रहा है, 1। यानी दोनों डिफरेंस को सेम करना तो आपको पता है क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 1 और 3 का डिफरेंस। अब इसमें मत चले जाइएगा कि सर 1-3 तो -2 होता है, हमें नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल डिफरेंस देखिए कि 1 और 3 का डिफरेंस 2 है और 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है। यानी हम ये चेक कर रहे हैं तो ये हमें सेम चाहिए। तो आप बताइए 2 और 1 को सेम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मैं आपको रेशियो के क्लास में बता चुका हूं कि कभी भी रेशियो में जब हम एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पुराने रेशियो से हमारा सारा रिश्ता खत्म हो जाता है। यानी अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो पहले पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये भी 2, काम खत्म। यानी अगर मैं लिखूं मिल्क एंड वाटर तो पहला रेशियो तो एज इट इज रहेगा 1:3, दूसरा 2 से करने का मतलब ये क्या बन गया, 4, और ये क्या बन गया, 6। अब आप खुद ही देखिए कि जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पे वैल्यू आपकी क्या आ गई, सेम आ गई। यहां पे कितने का फर्क, 3 यूनिट का, यहां पे भी कितने का फर्क, 3 यूनिट का, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। हमसे क्या पूछा गया है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो आप देखिए 1 यूनिट यहां पर है, 3 यूनिट यहां पर है, यानी 1+3 टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। तो यहां पे मैं आपको एक चीज समझा पाया कि कभी भी अगर ये डिफरेंस सेम ना मिले तो ये डिफरेंस सेम ना मिले तो आप सामने के डिफरेंस को सेम कर लीजिए, ऑटोमेटिक ये डिफरेंस सेम हो जाएगा। और इसका लॉजिक क्या है ये मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर। तो आपने एक नई चीज जानी होगी कि क्यों हम इसको सेम करते हैं, उसके पीछे का रीजन
ये रहा क्लियर। चले इसको नोट करें, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर, यानी हमने मान लिया नंबर वन और नंबर टू, इनका रेशियो क्या दिया हुआ आपका, वन रेशियो टू, यानी हमने मान लिया 1x और 2x। कह रहा है इफ 7 इज एडेड टू बोथ नंबर, तो x प्लस 7 2x प्लस 7, देन द रेशियो बिकम्स 3 रेशियो 5। ये आपका पूरा बेसिक है, ये आपको सबको पता होगा, 5x प्लस 35 इक्वल टू 6x प्लस 21, x को उधर 21 को इधर, यानी 14 इक्वल टू x। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है, तो 1x यानी 14 और दूसरा 2x यानी 28। ये हमारा पूरा बेसिक हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आप करें या ना करें। अब इसी को हम लोग समझते हैं अपना कॉन्सेप्ट वाइज। तो नंबर वन और नंबर टू क्या है, 1:2, दूसरा क्या बन रहा है, 3:5। क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों साइड 7 को ऐड किया जा रहा है, तो आप देखिए यहां पे कितने का फर्क पड़ रहा है, 3 यूनिट का, और यहां पे कितने का फर्क पड़ रहा है, 2 यूनिट का। तो हम 7 को किससे कंपेयर करें, ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये डिफरेंस सेम ना हो तो हम सामने का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2 है। दोनों जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब दोनों जगह डिफरेंस सेम होना चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया कि कभी भी रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर दें तो पुराने रेशियो से सारा रिश्ता आपका खत्म। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यहां पे क्या बनेगा आपका, सेम यही रहेगा, क्योंकि यहां पे तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। बात समझ में आई आपको, अगर ये डिफरेंस सेम करना है, क्यों सेम क्यों करना है, क्योंकि दोनों जगह सेम चीजें ऐड हो रही है, यहां भी 7 ऐड हो रहा है, यहां भी 7। अगर दोनों जगह डिफरेंट होता तब हमें करने की जरूरत नहीं होती, तब आपका क्वेश्चन कहीं और चला जाता। क्लियर। अब यहां पे देखें तो यहां पे भी कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का। यहां पे भी कितने का गैप है, 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7। हमसे नंबर पूछा गया, तो नंबर यहां मत ढूंढने लगेगा, इससे सारा रिलेशन आपका खत्म हो चुका है। 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 2 यूनिट की वैल्यू 14 और 4 यूनिट की वैल्यू 28। क्लियर। तो ये हमने सीखा डिफरेंस सेम करना। आगे क्वेश्चन में और भी प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है इसमें कुछ और ऐड किया जाए और इसमें कुछ और ऐड किया जाए, तो फिर उसके लिए हम एक और नई चीज सीखेंगे। बाकी ये तो आपका हमेशा चलता रहेगा। क्लियर। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ए और बी हैं, इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:7। ठीक है। एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो, नहीं, एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो 1:5। ये क्या है आपका, इनकम है, और ये क्या है, इनका एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया है, 1:5। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ ईच सेव रुपीज 100, इनकी जो सेविंग है वो क्या है, 100 रुपीज। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन दिया, इनकम ए और बी का जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 5:7। एक्सपेंस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, 1:5। और सेविंग जो है वो दोनों की क्या है, 100 है। ठीक है। एक चीज आपको पता होगा कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, या इसी को हम बोल सकते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस, या इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। इन तीनों बातों का मतलब क्या है, सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें क्या होता है, इनकम का रेशियो दिया जाता है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया जाता है और सेविंग की वैल्यू दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको पता है कि अगर हम इनकम में से, जैसे इसके थ्रू हम जाएं, तो इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो हम इनकम के साथ वेरिएबल लगा लेते हैं, और इसमें से जब सेविंग को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। यानी अगर मुझे इसको बेसिक के साथ सॉल्व करना है तो सबसे आपका जो कन्वेंट वे होता है वो आपका तरीका ये होता है कि इनकम माइनस सेविंग के थ्रू जाए। तीनों बातों का मतलब सेम है, आप इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तब भी सेविंग आएगा, बट यहां पे ये रेशियो दिया है तो ज्यादा आसान हमारा इसके थ्रू है। जैसे 5x माइनस इसकी सेविंग 100,
ऐसे ही 7x माइनस इसकी सेविंग थी, ये a का एक्सपेंडिचर हो गया, ये b का एक्सपेंडिचर हो गया, और इन्हीं के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ, 1:5। क्लियर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 25x माइनस 100 माइनस 500 इक्वल टू 7x माइनस 100। क्लियर। इनके एक्सपेंस का रेशियो जो है, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लीजिए, ए एंड बी, यहां पे मिस्टेक है एक थोड़ा सा, ठीक है। जो इनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है ना, वो आपका 3:5 है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ दिया था, ये क्या आपका 3:5 है, ठीक है। यानी यहां पे भी 3 आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 5। जो ये रेशियो इनकम का दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका 3:5, तो यहां पे क्या बनेगा 3x और ये 5x, तो ये क्या बनेगा 15x माइनस 500 और ये यहां पे आपका 5x। क्लियर। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू, ये माइनस 500 उधर जाएगा, यानी क्या बनेगा 400, देन x इक्वल टू 40। x की वैल्यू 40 आ गई, हमसे क्या पूछा गया है उनका इनकम, तो इनकम आप देखिए a का इनकम क्या है 3x, तो 40 इंटू 3 यानी 120, 5x 5 इंटू 40 यानी 200। क्लियर। आप इन तीनों में से किसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो क्या है, इनकम माइनस सेविंग के थ्रू। तो यहां पे अगर हम इससे सॉल्व करें बेसिक से, तो बेसिक तो ये था, अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें तो 3:5 बाद में क्या बन रहा है 1:5। आपको पता है इनकम में से ये किसका है, इनकम का, ये किसका है एक्सपेंस का, तो बीच में आपका क्या आएगा सेविंग, तो दोनों की सेविंग क्या है सेम है। यहां पे डिफरेंस कितने का है 2 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है 0 का, और दोनों जगह कितने की सेविंग है 100 की, तो दोनों जगह डिफरेंस भी आपका क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 1 और 5 का डिफरेंस 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो a और b 2, 3 जा 6 और 10, और यहां पे क्या आ गया आपका 1 और 5। अब कितने का गैप 5 का, इस 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, a की इनकम कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू 120 और 10 की वैल्यू 200। तो चाहे आप बेसिक से करें या ये करें, ये एक कॉमन चीज आपको सबको पता है, ये चीजें हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं कि अगर यहां पे गैप सेम नहीं है तो गैप करने का तरीका, सेम करने का तरीका क्या है, आप सामने वाले गैप को क्या कर दें सेम कर दें। क्लियर। तो नोट करें, और भी अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहां से देखते हैं जहां पे ये गैप तो हम सेम कर लेंगे बट वैल्यू सेम नहीं होगी, तो हमें कहीं ना कहीं एक नए तरीके को यूज करना होगा, तो वो हम लोग इसके बाद समझते हैं। चलिए यहां पर क्या दिया हुआ आपका, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो क्या है 5:7, तो हमने ले लिया 5x और 7x, ठीक है। एंड एक्सपेंस आर इन द रेशियो 9:11। ए सेव ₹1200, ए की सेविंग है 1200 और बी की सेविंग है 2000। ये इनकी इनकम, ये इनकी सेविंग, और यहाँ पे आपका एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 9:11। क्लियर। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है क्या वे होगा, 5x इनकम माइनस सेविंग ओवर 7x माइनस 2000 इक्वल टू 9/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 55x माइनस 11 बरहम 132 इक्वल टू 63x माइनस 18000, ठीक है। 18000 को इधर लाते हैं, 55x को उधर ले जाते हैं, तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 4800, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 8x, देन x इक्वल टू 600। यानी x की जो वैल्यू आई अपने पास वो क्या आई आपकी 600। देखिए 63x माइनस 5x क्या बन जाएगा आपका 8x, और 18000 इधर आएगा तो इसमें से ये 13200 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4800। यानी x की वैल्यू 600, तो इसकी इनकम 3000, इसकी इनकम 4200। ये जो अपना है ये पूरा का पूरा क्या है, बेसिक है। मैंने पहले भी बताया है कि इससे तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके लिए कोई पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा हम करेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ए और बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ। पहले क्या है 5:7, यहाँ पे क्या है 9:11। क्लियर।
ये इनकी इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंस है। आप देखिए दोनों की, यहां पे सेविंग कितने यूनिट के दिख रहा है, 4 यूनिट की, यहां पे कितने का दिख रहा है, 4 यूनिट का। बट प्रॉब्लम ये है कि ए की सेविंग 1200 है और इसकी सेविंग क्या है, 2000 है। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इस 4 यूनिट को 1200 से करें या 4 यूनिट को किससे करें, 2000 से करें। पहली प्रॉब्लम ये है क्योंकि दोनों की सेविंग क्या है, अलग अलग है। आरी बास में यानी अभी तक जो हम सारी चीजें कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट यहां पे आके अब क्या हो गया, खत्म हो गया। डिफरेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो एक नई चीज जो इसी का है, जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, कई लोग इसको बताते हैं कि बिल्कुल नया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको अच्छी तरह से समझाया है, फिर भी बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपका, कंप्लीट बेसिक है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। इसको हम लोग यूज करते हैं जब दो टाइप्स के रेशियो और उनके बीच की वैल्यू हमारे पास हो। बात समझ में आई, क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज होगा, जब दो टाइप का रेशियो और उनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो ये है वही यहां पे भी आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए और बी का, तो आप देखिए दो टाइप का रेशियो 5 और 7, ये क्या है, इनकम। 9:11, ये क्या है, एक्सपेंस। तो आपको पता है इनकम और एक्सपेंस के बीच में क्या आना है, सेविंग। ए की सेविंग कितनी है, 1200, और बी की सेविंग कितनी है, 2000। आ रही बात समझ में, ये इनका इनकम का रेशियो, ये क्या है, एक्सपेंस का रेशियो, ये सेविंग है। इसको रेशियो मत बना लीजिए, क्योंकि एक हमें क्या चाहिए, हर हाल में वैल्यू चाहिए। दो टाइप्स के रेशियो और एक क्या चाहिए, वैल्यू। अब यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना। आपको किसको पहले कर रहे हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 5:11 जा 55, 9:7 जा 63। अब आपको पता है कि 55 जो है वो 63 से क्या है, छोटा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, यानी कितना आ गया, 8। यहां पे काम खत्म। फिर यहां पे करेंगे 9:2 जा 18,000, 11:12 जा यहां पे क्या हो जाएगा, 13,200। आपको पता है 18,000 बड़ा है, 13,200 क्या है, छोटा है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 4800। यानी वैल्यू में अपने पास आया है 4800 और रेशियो में आया 8। फिर वही यूनिटरी मेथड, 8 यूनिट की वैल्यू 4800, 1 यूनिट की वैल्यू 600। हमसे क्या पूछा गया, इनका इनकम, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3000, 7 यूनिट की वैल्यू 4200। आरी बात समझ में, तो जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल में आप लोग को ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने इससे क्वेश्चन कराया है। आपको बस ध्यान रखना है दो टाइप्स के रेशियो, एक टाइप की क्या होनी चाहिए, वैल्यू। किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। क्लियर, दोनों यहां पे अगर चीजें इंक्रीज हो रही है तब भी साइन से कोई लेना देना नहीं है, डिक्रीज हो रही है तब भी साइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक वैल्यू इंक्रीज होगी और एक वैल्यू डिक्रीज होगी तब हमें साइन से लेना देना होगा। क्लियर, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूं। आप देखिए ध्यान से, तो यहां पे 63 है, यहां पे भी 63 है, यहां पे 55 है, यहां पे भी 55 है, वहां पे भी 18,000 है, यहां पे भी 18,000 है, यहां पे भी ये वैल्यू, यानी सारी की सारी वैल्यू सेम है, बस इस पार्ट से वेरिएबल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आई बात समझे, तो मैं आप लोग को बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके हर हाल में क्लियर होने चाहिए। आपको हर हाल में नए तरीके सीखने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका बेस है ना वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कोई नई चीज नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है। क्लियर, तो अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग इससे सॉल्व करेंगे ताकि हम इसके थोड़े से यूज टू हो जाएं। क्लियर, बाकी बेसिक अब तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 2:1, यानी जो इनकी इनकम का रेशियो है वो क्या है, 2:1। क्लियर, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3, यानी जो इसके एक्सपेंस का रेशियो है वो क्या है, 5:3, एंड दे सेव इन द रेशियो 4:1, इनकी सेविंग जो है वो क्या है, 4:1। ठीक है,
आगे क्या कर रहा है, एंड टोटल सेविंग इनकी है 5000। आप देखिए यहां पे अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। टोटल जो सेविंग यानी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेज आपका हो गया है कि सेविंग का रेशियो देखिए इनकी वैल्यू दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है 4:1 यानी टोटल सेविंग कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 यानी सेविंग जो होगी इसकी 4000 और इसकी 1000। बेसिक से आप कर लेंगे 2x 1x माइनस 4000 माइनस 1000 इक्वल टू 5:3। हम करते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले क्या दिया हुआ है 2:1, बाद में क्या है 5:3, ये ए और ये बी, ए की सेविंग 4000, बी की सेविंग 1000। देखिए बिल्कुल लगना है क्योंकि दो टाइप के रेशियो और एक टाइप की क्या है वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते समय बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों रेशियो और ये दोनों वैल्यू इसको मिनिमाइज नहीं कर लेना है। 2 3 6, 5 1 5, 6 - 5 यानी 1 यूनिट। यहां पर करेंगे 5 × 1 5000, 3 × 4 12000, बड़ी वैल्यू 12000, 12000 में से 5000 को माइनस करेंगे क्या आएगा 7000। 1 यूनिट की वैल्यू 7000, दोनों की इनकम, तो ए की इनकम कितनी है 2 यूनिट यानी 14000, बी की इनकम 1 यूनिट यानी 7000। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा आपका यहां पे चेंजेस था तो उसको हमने सिंपल कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझाना था इसलिए मैंने बेसिक से नहीं कराया, क्लियर। नोट करें इसको, एक दो क्वेश्चन और अच्छे हम लोग देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल वर इन द रेशियो 25:4, यानी दिया हुआ है पास और फेल 25:4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है 25:4। आगे क्या कह रहा है, इफ 5 मोर हैड अप्लाइड, यानी 5 अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया होता, ठीक है, 5 मोर हैड अप्लाइड एंड द नंबर ऑफ फेल्योर वर 2 लेस, और अगर 2 लेस फेल होते देन द रेशियो ऑफ पास टू फेल 22:3, यानी पास और फेल का जो रेशियो बनता वो क्या बनता 22:3, क्लियर। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है, और इसी के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट समझा था, ठीक है। कह रहा है किसी एग्जामिनेशन में पास और फेल का जो रेशियो है वो क्या है 25:4 है, अगर 5 ज्यादा लोग अपीयर होते और 2 कम लोग फेल होते तो जो पास और फेल का रेशियो बनता वो क्या बनता 22:3। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात समझाई है कि दो टाइप के रेशियो और उनके बीच की क्या होनी चाहिए वैल्यू। देखिए दो टाइप के रेशियो तो मिल गए लेकिन फेल की वैल्यू मिल रही है हमारे पास, पास की वैल्यू नहीं मिल रही। बात समझ में आ रही है, आप देखिए यहां पे पास की वैल्यू चाहिए और यहां पे क्या चाहिए फेल की, कि इतने कम पास होते या इतने ज्यादा पास होते या इतने कम फेल होते या इतने ज्यादा फेल होते। तो एक वैल्यू तो फेल की मिल रही है बट हमें दूसरी वैल्यू जो है वो किसकी है अप्लाई की है, तो हम कहीं ना कहीं अप्लाई का रेशियो बना लेते हैं अपनी तरफ से, पास फेल अप्लाइड। आप खुद बताइए किसी एग्जाम में अगर 25 लोग पास हों और 4 लोग फेल हों, इसका मतलब अप्लाई कितने लोगों ने किया था 29। ये बात समझ में आ रही है, 25 लोग पास हों और अगर 4 लोग फेल हों तो कहीं ना कहीं अप्लाई कितने लोगों ने किया था 29। 22 पास हों 3 फेल हों, इसका मतलब अप्लाई कितने ने किया था 25 ने, क्लियर। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें फेल और अपीयर्ड पे अगर हम बात करें तो फेल और अपीयर्ड का रेशियो भी है और फेल और अपीयर्ड की हमारे पास वैल्यू भी है। कितने अपीयर्ड हैं 5 ज्यादा अपीयर्ड हैं और 2 कम फेल है। जब मैं आपको समझा रहा था तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब दोनों मोर हों तब भी हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, दोनों लेस हों तब भी हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक वैल्यू इंक्रीज हो एक वैल्यू डिक्रीज हो, जैसे यहां पे कह रहा है 5 मोर अपीयर्ड 2 लेस फेल, तो जो मोर होंगे उसको पॉजिटिव और जो लेस होंगे उनको निगेटिव, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका वही। तो 25 × 4 100, 29 × 3 87 यानी कितना आ गया 13, क्लियर। यहां पे करते हैं 3 × 5 15, 25 × 2 -50, तो -50 आपका 15 से क्या है छोटा है,
तो माइनस माइनस 50, बात समझ में आ रही है? मैंने पहले ही बताया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना है, माइनस। तो यहां पे हम करेंगे तो 25 इंटू 2 क्या आएगा, माइनस 50, और 3 इंटू 5 क्या है, पॉजिटिव 15। तो पॉजिटिव 15 में से माइनस माइनस 50 यानी क्या हो जाएगा, ये 65। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5। बात समझ में आ रही है? अगर 13 यूनिट की वैल्यू 65 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5। हमसे पूछा गया है कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो कितना है, 29। तो 29 यूनिट की वैल्यू 145। क्लियर? एक बार फिर से मैं बता देता हूं, पास और फेल का कह रहा है किसी एग्जाम में 25:4 है। तो आपको पता है अगर 25 पास हैं 4 फेल हैं तो अप्लाइड कितने हो जाएंगे, 29। कह रहा है अगर 5 ज्यादा लोगों ने अपीयर किया होता तो प्लस 5, 2 कम लोग फेल होते तो माइनस 2। देन द रेशियो ऑफ पास टू फेल 22:3, तो अपीयर क्या हो गया, 25। बाकी सारा का सारा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे ये साइन नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 65। 25 इंटू 400, 29 इंटू 3 87, 13 यूनिट की वैल्यू 65, 1 यूनिट की वैल्यू 5। हमसे पूछा गया अपीयर, तो 29 यूनिट की वैल्यू 145। क्लियर? एक क्वेश्चन और ऐसा ही देख लेते हैं ताकि और थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके लिए लिया हुआ है। इन एन आर्मी सेलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, यानी ये सेलेक्टेड और यहां पे है अनसेलेक्टेड, ठीक है। क्या दिया हुआ है इनका रेशियो, 3:1, 3:1, ठीक है। आगे क्या करा, इफ 80 लेस हैड अप्लाइड, यानी 80 कम लोगों ने अगर अप्लाई किया होता, ठीक है, 80 लेस हैड अप्लाइड एंड 40 लेस हैड सेलेक्टेड, और 40 लेस क्या होते हैं आपके, सेलेक्टेड होते, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 4:1, ठीक है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड क्या है, 4:1, क्लियर। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपका क्या दिया हुआ है, अप्लाइड और सेलेक्टेड, यानी दो का रेशियो लेकर चलना पड़ेगा हमें, अप्लाइड और सेलेक्टेड का। तो पहले यहां पे अप्लाइड बना लेते हैं, तो आपको पता है 5 सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट हुए हैं, 1 अनसेलेक्ट, यानी कितने अप्लाई किए थे, 4, 4 सेलेक्ट, 1 अनसेलेक्ट, यानी कितने, 5। बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है कि हम अलग से इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्टेड और यहाँ पे अप्लाइड। तो सेलेक्टेड का क्या है, 3, अप्लाइड क्या है, 4, सेलेक्टेड का क्या है, 4, और यहाँ पे क्या है, 5। अब ध्यान से देखिए, दोनों जगह माइनस है तो आपको कोई साइन की जरूरत नहीं। अप्लाइड में क्या आ रहा है, 80, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 40। मैंने पहले बताया था दोनों पॉजिटिव हैं तब भी साइन से आपको परेशान नहीं होना, दोनों निगेटिव है तब भी साइन से परेशान नहीं होना। साइन का यूज आपको तब करना है जब एक पॉजिटिव और एक क्या हो जाए, निगेटिव। क्लियर? करते हैं यहां पे, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 16 माइनस 15 यानी 1 यूनिट। यहां पे करते हैं 8 4 जा 320, 5 4 जा 200, कितना आ गया, 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 120। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, कितने कैंडिडेट ने प्रोसेस के लिए अप्लाइड किया था, तो कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 480। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। यहां पे मैंने अलग इसलिए लिख लिया था क्योंकि ये बीच में बार बार आपको डिस्टर्ब करता, इसलिए सेलेक्टेड टू अप्लाइड का हमने रेशियो बना लिया। क्लियर? बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें रेशियो में नए कॉन्सेप्ट सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट मतलब कि किसी मिक्सचर में से इतना निकाल लिया गया और इसकी जगह इतना वाटर ऐड कर दिया गया या इतना मिल्क ऐड कर दिया गया, सेम क्वांटिटी ऐड किया गया, तो इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।